يسعى بينهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وألحقنا بالصالحين. بزرگو اور دوستو اور عزیز طلبائے کرام، قرآن مجید 12 نمبر 28 سورۃ التحریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم دعا کریں اللہ عزوجل جلال و اکرام اس نہایت مختصر وقفے میں اس آیت مبارکہ کی تشریحات توضیحات کو بیان کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جسے کبھی بھی غلطی نہ ہو اور نہ ہوئی ہے اس کو رحمان کہتے ہیں. جو گناہ سے غلطی سے معصوم ہے اس کو اس جماعت کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا درجہ کہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی معصیت سرزد ہو جاتی ہے. فرشتوں سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرہ، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن انسان سے، اور انسان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر،
बकिया तमाम इंसानों से गलती होने का इम्कान, आम इंसान से तो गलतियां और गुनाह होते ही रहते हैं। किसी ने कहा है जिससे गलती कभी ना हो उसे रहमान कहते हैं, जिससे गलती या गुनाह कह लीजिए कभी ना हो उसे रहमान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, जो गलती करके इतराए उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दोनों मादे रखे हैं, नेकी का मादा भी है, गुनाह का मादा भी है। इंसान नेक से नेकतर भी होता है और बद से बदतर भी होता है। नेक इंसान को भी तौबा करनी चाहिए कि क्या मालूम मैं अल्लाह जल जलाल वल इकराम की मंशा के मुताबिक इबादत कर सका या नहीं। और बुरे इंसान को तो तौबा करनी लाजमी है। ईमान अल्लाह ने दिया, ईमान के बाद अगर बंदे से गुनाह सरजद हो गया और फिर फौरी तौर पर गुनाह का एहसास हो गया, दिल में नदामत आ गई कि ये गुनाह जो मैंने किया है इस पर अल्लाह की पकड़ आ सकती है, अल्लाह की तरफ से अजाब आ सकता है, और फौरन तौबा कर ली और नदामत इख्तियार कर ली, तो अल्लाह सब जलाल व इकराम कुरान करीम में फरमाते हैं फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ऐसे लोग अल्लाह ताला इनकी नेकियों इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। गुनाह डिलीट कर दिया, नेकी लिख दी। अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है। लेकिन सच्चे दिल के साथ जब इंसान गुनाहों से तौबा करे, इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, और मुखातिब भी अल्लाह ताला ईमान वालों को कर रहे हैं, इसलिए कि गैर ईमान वाले तो अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, वो इसमें मुखातिब नहीं है। यहां ईमान वालों को खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह की तरफ तौबा करो, सच्ची तौबा, इखलास वाली तौबा, अल्लाह से डर कर तौबा, और ऐसी तौबा सच्ची तौबा, अगर ये गुनाह अल्लाह ताला की जात के साथ मुताल्लिक है तो ऐसी तौबा करे या अल्लाह दोबारा तेरी जनाब में ऐसी गलती ऐसे ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, और अगर ये गुनाह हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है तो ऐसी तौबा करे कि अल्लाह आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, और साहिब हक से माफी मांगे या साहिब हक को हक अदा करे। और अगर ये तौबा इबादात के एतबार से है, इबादात में कोताही है, तो इस तरह की तौबा करे कि अल्लाह
दोबारा मैं तेरी इबादत में किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा, इससे कबल की कोताही मुझे माफ फरमा दे, और अगर नमाजें छूट गई हैं तो नमाज अदा करे, रोजे छूट गए हैं तो रोजे अदा करे, जकात छूट गई है तो जकात दे, हज छूट गया है तो हज करे अपने मौसम में अपने मौका पर। अलगर्ज जिस एतबार की तौबा की जा रही है उस एतबार से मुकम्मल तौबा करे कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, और दिल के अंदर नदामत और शर्मिंदगी महसूस हो तो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएंगे कि उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ऐसे लोगों के गुनाह डिलीट हो जाएंगे और उनकी जगह अल्लाह जुल्जलाल वल इकराम हसनात लिख देंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाले और रहमत करने वाले हैं। वसियत रहमती कुल शई, हर फरमाया हर चीज पर मेरी रहमत वसी है, चाहे वो हैवानात के एतबार से हो, नबातात और जमादात के एतबार से हो, इंसानों के एतबार से हो, या किसी भी चीज के एतबार से। तो फरमाया वसियात रहमती कुल शई, हर चीज पर मेरी रहमत वसी है, हर चीज पर मेरी रहमत उतर रही है। तो अल्लाह ताला गुनाहगार को अपनी रहमत में ले लेंगे। वकान अल्लाह गफूर रहीम, इसीलिए एक बात कही जाती है कि गुनाहगार से नफरत मत करो, गुनाह से नफरत करो। गुनाहगार से नफरत की तो ये गलत है, इसलिए कि इंसान गुनाह इंसान से हो रहा है और इंसान से नफरत नहीं करनी है। अगर इंसान से नफरत की, गुनाहगार से नफरत की, तो वो इंसान उसको करीब नहीं ला सकता है, इंसान उसको नजदीक नहीं ला सकता है, करीब नहीं ला सकता, नजदीक नहीं ला सकता, तो इसलाह कैसे हो जाएगी, दुरुस्तगी कैसे हो जाएगी, उसके अमाल में सुधार कैसे आएगा। ये फरमाया कि गुनाहगार से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत करो ताकि तुम्हारे अंदर ये गुनाह ना आए। जो गुनाह वो कर रहा है ये गुनाह तुम्हारा तुमसे सरजद न हो जाए। इंसान गाफिल है और गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, एक मोड़ आता है उसकी जिंदगी में, एक मौका आता है उसकी जिंदगी में तब्दीली का, वो गुनाहों से नफरत करके, गुनाहों को छोड़कर नेकी की तरफ आता है और नेकी के रास्ते में पुख्ता बन जाता है। इसलिए इंसान से नफरत नहीं करनी, गुनाह से नफरत करनी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जो सबसे बदकार आदमी हो उससे मेरी मुलाकात करवा दे। तो गए, सबसे बदकार आदमी जो था उस वक्त में उससे मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई और वापस आ गए। फिर कुछ अरसा के बाद दुआ की, ए अल्लाह जो सबसे अच्छा आदमी है, सबसे नेक तरीन आदमी है, उससे मेरी मुलाकात करवा दे। तो अल्लाह ने फरमाया फलां जगह चले जा, वहां देख मेरा एक नेक बंदा बैठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, देखा वहां वही आदमी जिससे पहले मुलाकात करके गए थे, बदकार आदमी, वही आदमी वहां बैठा हुआ है और नेकी के अंदर लगा हुआ है, नेक आमाल कर रहा है,
मूसा सलाम ने इससे पूछा कि तेरी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया, ये चेंजिंग कैसे आ गई। वो कहने लगा कि मैं घर गया, एक दफा आपसे मुलाकात की थी और आपके मुलाकात के बाद मैं घर गया तो मुझे बीवी ने एक चीज पर ताना मारा, मेरे दिल पर इतनी चोट लगी और मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह ने शायद आपकी मुलाकात की बरकत से मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया और आज मैं नेकी के रास्ते पर चल रहा हूं। तो ये वाका इस बात की अकाशी कर रहा है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में, जुल्मत से निकालकर रोशनी की तरफ लाना ये अल्लाह के हाथ में। इंसान का दिल अल्लाह जुलजलाल वल इकराम की दो उंगलियों के दरमियान है, अभी चाहे तो इधर फेर दे, अभी चाहे तो इधर फेर दे। ये एक मिसाल है, इससे समझाई जाती है बात। हिदायत अल्लाह के हाथ में है और हिदायत अल्लाह ताला जिससे चाहता है जब चाहता है देता है। लेकिन फरमाया वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, तज़कीर किया करो, याद दिलाया करो, याद दहानी करवाया करो। फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, याद दहानी मोमिनीन को नफा देती है। याद दहानी से, तज़कीर से, याद दिलाने से मोमिन को नफा होता है कि कोई भूली हुई बात है, आमाल के अंदर कमजोरी आ गई है, अब कोई किताब पढ़ी, किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठा, किसी अल्लाह वाले का वाद सुना तो दिल पर असर हुआ, दिल पलट गया। जिस तरह बैटरी के सेल कमजोर हो गए तो बैटरी कमजोर हो जाती है, बैटरी पूरी रोशनी नहीं देती, या बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हुई उससे पूरी रोशनी नहीं आ रही है, तो उसको चार्ज करना है, उसके अंदर नए सेल डालने हैं, वो ज्यादा रोशनी देना शुरू कर लेगी, वो पूरी रोशनी देनी शुरू कर लेगी। हल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब दौन बरकात हुई इसकी एक मिसाल देते हैं कि मैं एक दफा एक आदमी के यहां चला गया, वो मशीन चलाता था, चावल की मशीन होगी, क्या मशीन होगी, लकड़ी की मशीन होगी, क्या होगी, चला रहा था। तो मैं उसके कारखाने पे पहुंचा, मैंने कहा कि मशीन क्यों नहीं चल रही है। उसने कहा कि इस वक्त पावर नहीं है। तो मैंने कहा कि बाहर तो बल्ब जल रहा है। कहने लगा वोल्टेज कम है। जब पूरा ईमानी वोल्टेज होता है, पूरा ईमानी वोल्टेज, तो इंसान हर नेकी के काम में सबकत करता है। मस्जिद बनाने का मौका आ गया तो इसमें सबकत ले रहा है, दीन सीखने का मौका आ गया इसमें सबकत ले रहा है, दीन पहुंचाने का तबलीग का मौका आ गया इसमें सबकत ले रहा है। और जब वोल्टेज कम हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, ईमानी ताकत, अंदर ईमान तो होता है लेकिन छोटा सा बल्ब जल रहा होता है, वो कमजोर बल्ब, उस कमजोर बल्ब की इतनी ताकत नहीं है कि वो बड़े बड़े काम कर सके, फिर वो कमजोर होते 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 इतना कमजोर हो जाता है, एक छोटी सी रमक रह जाती है, फिर उसकी वजह से इंसान की नमाजें भी छूट जाती हैं, रोज रमजान आया रमजान भी छूट जाता है, मस्जिद छूट जाती है, नेक लोगों से मिलना जुलना छूट जाता है। तो ये ईमान की बैटरी ताजा कैसे होगी? ये ईमान की बैटरी ताजा होगी अहलुल्लाह की मजलिस से,
ये ईमान की बैटरी ताजा होगी उलमा की मजलिस से, ये ईमान की बैटरी ताजा होगी जुमा के वास से, ये ईमान की बैटरी ताजा होगी कुरान करीम की तिलावत से, ये ईमान की बैटरी ताजा होगी गुनाहों से तौबा करने से। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ लौट जाओ पूरे इखलास के साथ, यानी तौबा करो पूरी इखलास के साथ कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। पीर जुल्फिकार साहब ने लिखा दौनगढ़ ने कि बसा औकात इंसान कहता है, नौजवान आज का कहता है तो मैं तो तौबा करूंगा, लेकिन तौबा का फायदा कुछ नहीं, अभी तौबा की थोड़ी देर के बाद फिर गुनाह हो गया, फिर गुनाह, फिर तौबा की फिर गुनाह हो गया, तो तौबा का क्या फायदा। इसकी मिसाल दी हजरत ने, फरमाया शिद्दत की गर्मी है, इंसान का जिस्म पसीने में शराबूर है, कपड़ों से बदबू भी आ रही है, ये कहे कि अगर मैं नहा दूं तो क्या फायदा है, घंटे आधे घंटे के बाद फिर जिस्म गर्म हो जाएगा, फिर बदबू आने लगेगी, पसीना फूट पड़ेगा। फरमाया ये इसका अहमकानापन है, ये इसकी कम अकली है। अरे अभी अभी तो कम से कम तुम अपने जिस्म को साफ कर लो, आधे घंटे घंटे के बाद की बात जो है उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त जब पसीना पसीना जिस्म जिस्म में पसीना आ जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बदबू आने लगेगी, दोबारा नहा लो। यही मिसाल है कि इंसान समझता है कि तौबा तो करूं लेकिन फिर गुनाह हो जाता है, फिर गुनाह हो जाता है। फरमाया कि जितनी बार गुनाह हुआ उतनी बार तौबा करो, जितनी बार गलती हुई उतनी बार तौबा करो, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बिलाखिर अल्लाह ताला इस तौबा की बरकत से राह रास्त पर लगा देंगे और गुनाहों की लत से निकाल देंगे, गुनाहों की नजासत से पाक कर देंगे। अगर सही इखलास से तौबा की, वतूबु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फिर फरमाया कभी इंसान कहता है कि चलो आज गुनाह कर लेते हैं कल तौबा करेंगे, इस सहारे पर कि आज गुनाह कर लेते हैं कल तौबा करेंगे, यह भी बहुत कम अकली की बात है। फरमाया एक तो यह कि क्या पता कल तक जिंदगी है या नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। दूसरा फरमाया कि क्या पता गुनाह के करते करते ही मौत आ जाए, तो कुफर की हालत में गुनाह की हालत में मौत आएगी। हजरत शेख मुजद्दद अल्फिसानी रहमहुल्लाह ने लिखा हलकल मुतसव्विफून, मुतसव्विफून किनको कहते हैं, फरमाया मुतसव्विफीन हिलाक हैं, हिलाक हो गए, और मुतसव्विफीन उनको कहते हैं जो इस बुनियाद पर गुनाह कर रहे हैं कि आज गुनाह कर लो, ये गुनाह कर लो कल छोड़ दूंगा, कल तौबा कर लूंगा। मैं वो कल आती ही नहीं और गुनाह ही की हालत में इंसान की मौत हो जाती है। और अगर वो गुनाह कबीरा गुनाहों में से है तो मौत कुफर पर आएगी, क्योंकि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते। और अगर गुनाह सगीरा गुनाह पर मौत आई है, मुमकिन है अल्लाह जलाल वल इकराम माफ फरमा दे, और मुमकिन है अल्लाह ताला खतरनाक सजा दे जहन्नम की, फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाए। और यह भी ईमान पर शर्त है कि ईमान अंदर था या नहीं। जैसे फरमाया ला युमिनु ज़ानी हीन यज़ना, जिस वक्त ज़ानी ज़िनाकार ज़िना कर रहा है, हदीस में आया कि इसका दिल से ईमान निकल कर मुअल्लक हो जाता है, इसी हालत में मर गया तो ईमान के बगैर मरा, और अगर इस हालत में मौत नहीं आई
तो फिर अल्लाह ताला अपना कर्म फरमाते हैं, ईमान को फिर इस नापाक जिस्म के अंदर लुटा देते हैं, नापाक दिल के अंदर लुटा देते हैं। ला युमिनु सारिक हिना यसरिको, चोर चोरी करता है तो जिस दौरान चोरी करता है उस दौरान ईमान दिल से निकलकर मुअल्लक हो जाता है। जब मौत इस दौरान ना आई तो फिर ईमान अल्लाह ताला इसके दिल में डाल देते हैं। फिर अगर तौबा की तौफीक मिल गई, जिना से तौबा की तौफीक मिल गई, चोरी से तौबा की तौफीक मिल गई, कुफर के कामों से तौबा की तौफीक मिल गई, तो फिर ये ईमान जो दिल में होता है ये मजबूत होता चला जाता है, इसकी बत्ती ज्यादा रोशन हो जाती है, और उस रोशनी में इंसान, ईमान की रोशनी में इंसान गुनाहों से बाज रहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की तरफ तौबा करो और सच्ची तौबा। ये तौबतन नसूहा के मुतल्लिक हज़रत मुफ्ती फैज़ल वही साहब रहिमहुल्लाह ने भी लिखा, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह दामन बरकातहू ने भी लिखा, दीगर उलमा ने लिखा कि नसूहा के मुतल्लिक, तौबतन नसूहा के मुतल्लिक अवाम के अंदर एक मशहूर किस्सा है। उस किस्से का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नसूह के माना है सच्ची तौबा, कि दोबारा गुनाह का ख्याल न करें, दोबारा गुनाह की तरफ का इरादा भी न करें। وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ سارے کے سارے، اے مومنو تمہاری کامیابی اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے، تمہاری کامیابی گناہوں کے چھوڑنے میں ہے، تمہاری گناہی کامیابی گناہوں کے اس دلدل سے نکل کر روشنی کے راستے پر آنے میں ہے۔ اسلام روشنی ہے، کفر ظلمت ہے۔ بہرحال توبہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ایک مشہور حدیث میں آپ سے منشاء فرمایا کہ تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گنہگاروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور گناہوں کی جگہ، سیئات کی جگہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے، نیکیاں لکھتی جائیں گی جب سچی توبہ ہوگی۔ کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو زندگی بھر گناہ کیے ہیں، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، لگ بھگ گناہوں میں زندگی گزری ہے، اب توبہ کر کے کیا کروں گا؟ نہیں، موت آ گئی ہے، بقیہ جسم سے جان نکل کر حلق پر پہنچ چکی ہے، حلقوں پر جان آ چکی ہے، اب تیاری ہے جانے کی۔ ابھی لیکن ابھی غرغرہ کا عالم شروع نہیں ہوا، غرغرہ ہو جاتا ہے نا، ابھی وہ عالم شروع نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی یہ خاصیت اور صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ عز و جلال و اکرام توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو پوری زندگی اگر چاہیے شخص نے گناہوں میں گزاری، کفر میں بھی گزاری ہو، شرک میں بھی گزاری ہو، لیکن آخر میں خیال آ گیا کہ اللہ کی حضور جانا ہے اور میں اس اعتبار حیثیت سے جاؤں کہ اللہ کا بندہ بن کر جاؤں، گناہوں سے اپنے آپ کو دھو کر جاؤں، تو یہ التائب من ذنب کم اللہ ذنب والا سچی توبہ کر کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے صبح آنکھ کھلی شام آنکھ بند ہونے تک ہماری پوری پورا یہ دن جو ہے، یہ وقفہ جو ہے، کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیر محرم کو دیکھ لیا، بار بار غیر محرم کو دیکھا،
ये कबीरा गुनाह है, बार बार गैर महरम को देखना। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, या अली अन्नज़रतुल ऊला, ऐ अली पहली नज़र अगर गैर महरम पे पड़ गई अचानक तो पड़ गई, फ़इन्ना नज़रतस्सानी, अगर दूसरी नज़र तुमने की तो ये पूछा जाएगा अल्लाह के दरबार में कि दूसरी नज़र क्यों की थी। समझे, इससे अपने आप को बचाना चाहिए, रिश्वत में मुबतला हो गया इससे बचाना चाहिए, सूद खोरी में तो पूरी कौम मुबतला है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन अपने आप को बचाना है, सूद खोरी से बचाना है, हराम माल से हराम कमाई से अपने आप को बचाना है, तो सुबह से शाम तक कोई ना कोई गुनाह हम कर ही लेते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि सुबह से शाम तक आंख बंद होने तक हमारा ये पूरा पीरियड, ये पूरा वक्फा जो है गुनाहों में लतपत रहता है। इसलिए हर एक हम में से हर एक को चाहिए, यहाँ मीरवाइज भी वैसा ही है, मुक्तदी भी वैसे ही है, बराबर ही, हम में से हर एक को चाहिए कि हम क्या करें, कम अज कम इशा की नमाज से पहले या इशा की नमाज के साथ दूर का तौबा करके अल्लाह से बात कर लें और मनवा लें, या अल्लाह आज दिन जो खताओं में गुजरा, गुनाहों में गुजरा, माफ़ फरमा दे, हम पक्की सच्ची तौबा करते हैं, माफ़ फरमा दे। अगर इसी रात मौत हो गई तो शायद सालेहीन के अंदर अल्लाह ताला शामिल फरमा दे, ठीक। और सुबह भी उठ के जो है तौबा की रकात पढ़नी चाहिए, जोहर में भी तौबा की रकात पढ़नी चाहिए। मेरी ये आदत है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से और बुज़ुर्गों की दुआओं से और सोहबत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जोहर में भी दो रकात तौबा की पढ़ लूँ, और मगरब के बाद भी सलात अव्वाबीन तौबा ही की नमाज़ है, उसको अव्वाबीन नमाज इसीलिए कहते हैं, तौबा करने वालों की नमाज़, उसमें भी दो रकात चार रकात नसीब हो जाती है। फिर भी इशा के बाद भी अल्लाह से गिड़गिड़ा लेते हैं, तो कम अज़ कम जो लोग मुझसे मुतालिक हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ कि ये तरीका इख्तियार करो, अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों से बचाए और अपनी रहमत के सदक़े में अपनी रज़ा नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।